क्यों, तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 से पहले वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो ये एक्सरसाइज आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है या आपने रिवाइज करके रखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगी। मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा, बट अगर आपने नहीं, आपको नहीं आता, तो आपने अगर पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डेप्थ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था टाइप वन टाइप टू मेथड, किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, वो सब देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, तो उसको देख के आना यहाँ पे, तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज हलवा लगेगी और एकदम चुटकी बजाते सब सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास NCERT की बुक होगी और आप उसका पेज नंबर तो नहीं पता है, मैं भी बताता हूं। एक्सरसाइज 2.1 खोल लो, ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं अपनी बुक उठा लेता हूं। ये देखो मेरे पास भारी भरकम मेरी बुक है मेरे पास, और देखो पेज नंबर मैं बता दूं आप लोग को, तो पेज नंबर है प्यारे बच्चों 23। समझ में आएगी नहीं? पेज नंबर 23 खोल लो और एक्सरसाइज 2.1, ये देखो एक्सरसाइज 2.1। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1, और इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। लिखना शुरू करो, चलो लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ये है, चलो प्यारे बच्चों, ये हम मैं रब कर रहा हूं, यही सब हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। तो लीनियर इक्वेशन का अब हम लोग क्या करने वाले, एक्सरसाइजेस करने वाले। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक्सरसाइज 2.1 भाई साहब हम लोग स्टार्ट करने वाले। क्या सब लोग रेडी हो? हाँ कि ना? बुक है कि नहीं? नहीं है तो पता है आपको क्या करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चों, वो है x-2 = 7। इसको हम लोग टाइप वन टाइप टू से करेंगे। ठीक है, तो टाइप वन, ठीक है, टाइप वन से स्टार्ट करते हैं। टाइप वन पता है आप लोगों को कैसे करते हैं, ठीक है, दो तीन बार करेंगे फिर उसके बाद हटा देंगे। टाइप वन से क्या करते हैं, जैसे कि x-2 = 7 है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x को अकेला रखेंगे, x को अकेला रखेंगे। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली बारी वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, और अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, x को अकेला रखना है, तो ना ही x के पास -2 हो, कुछ भी अगर लिखा हो -2 + 2, तो इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना, मतलब हटा देना है, इसको डिलीट कर देना है, खत्म कर देना है। ठीक, खत्म कर देना है, उड़ा देना है, इसको लात मार के हटा देना है यहाँ पे। तो कैसे मारोगे इसे, क्या करना है प्यारे बच्चों, इधर और इधर आपको किससे मल्टीप्लाई नहीं, माइनस में है ना, तो आपको उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, +2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x-2 है, +2 लिख दिया यहां पे, और अगर यहां पे +2 लिखा है तो इधर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, +2 लिखेंगे। अब जैसे ही -2 भी है +2 भी है, इसको जब ऐड करेंगे भाई साहब तो ये तो कट जाएंगे, तो यहां पे आ गया x = 7 + 2, क्या होता है 7, 8, 9। समझ आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया, 7 + 2 = 9। ये पहला मेथड था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले मेथड में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट, इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। इक्वल अमाउंट यहां पे भी इक्वल वही लेंगे संख्या, और वही संख्या यहां पे भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आते हैं प्यारे बच्चों टाइप टू पे आते हैं, जो कि हमें इस पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। टाइप टू क्या है प्यारे बच्चों, देखो दोनों से आंसर आएगा। टाइप टू क्या है प्यारे बच्चों, इसी का यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक निकाल दिए हैं, या फिर कह सकते हो इसको देख के हम लोगों ने एक रिजल्ट दिखाया है। क्या रिजल्ट, यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं मेथड टाइप टू मेथड, वो क्या है, इसको देख के, इसकी ऑब्जर्वेशन को देख के हमने देखा क्या भाई साहब रिजल्ट क्या बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया,
तो रिजल्ट का मतलब प्यारे बच्चों है, जैसे कि एक बंदा यहाँ पे है और वो अपने घर पे यहाँ पे जाता है, इसे क्या लग रहा है, एक पहले दिन ये अपने स्कूल से आया और इस पॉइंट से अपने घर पे गया, तो इसे कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। फिर यहाँ से दूसरे दिन गया, फिर 2 गया, फिर तब भी 2 मिनट लग रहा है। यहाँ से फिर से गया तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, सब में क्या लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो अब किसी ने पूछा कि बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने पे आपको कितना समय लग रहा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये इसे पता है, ये देख चुका है, तो इसे पता है 2 मिनट लगेगा, तो तुरंत बता देगा 2 मिनट। अब इसे नापने की जरूरत फिर से नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आया कि नहीं, इसको पता है, इसने किया है ये, तो हम लोग यहाँ पे ये सब कर चुके हैं तभी हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, एक चीज कर लेते हैं। हाँ चलो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा टाइप 1, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 तो बहुत सरल है, क्या है, यहाँ पे x है -2 = 7। यहाँ पे एनिमी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था पिछली वाली वीडियोस में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ पे अब नहीं बताऊँगा, ठीक है, पर बताने की कोशिश करूँगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x को अकेला बनाना है, तो यहाँ पे जो संख्या है उसको हम लोग इधर भेजते हैं। जब हम लोग किसी संख्या को यहाँ से यहाँ पे भेज रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका घर है, ये किसी और का घर है, मतलब आपके दुश्मन का घर है, तो यहाँ से मान लेते हैं ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है मान लेते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, ये सब नहीं लेते हैं तो बहुत वो हो जाएगा, ठीक है, ये कहना भी गलत है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा क्या प्यारे बच्चों, ये है -2। अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है, अब -2 है इधर, इधर यहाँ पे भेजेंगे तो ये इसका नेचर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई में कोई चीज़ लिखी है तो इधर जाएगी तो डिवाइड में, डिवाइड में लिखी है कोई चीज़ तो इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो अभी देखते हैं कैसे क्या होगा, इतना समझ में आ रहा। अब यही चीज प्यारे बच्चों, यहां पे एक शब्द यूज होता है ट्रांसपोज, हाँ कि ना, ट्रांसपोज, यही एक किसी वैल्यू को यहां से दूसरी जगह ले जाने के प्रोसेस को ही ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं, जैसे 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, अब ये 7 + 2 माइनस में था, यहां पे चला गया प्लस में होगा, अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 + 2 9। अब देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा, यहाँ पे भी 9 आ रहा, हमने इसका रिजल्ट यूज किया, अब पट से आंसर चुटकी बजाते दे दिया, समझ में आएगी, तो कितना सरल था, कुछ नहीं था, तो पहले का प्यारे बच्चों आंसर आ गया क्या, 9। तो आप लोग अपनी आंसर शीट में देख लीजिएगा क्या आ रहा है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब रब कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया क्या, पहला। ठीक, अब हम लोग सब क्या करेंगे, टाइप टू से करेंगे, क्यों टाइप टू से करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट जल्दी दे देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग का आ रहा है क्वेश्चन, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 2, चलो क्वेश्चन 2 लिखो, क्वेश्चन 2 क्या है बच्चों, y + 3 = 10 है, हाँ कि ना, y + 3 = 10। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या करोगे, यहां पर लिखोगे आप ट्रांसपोजिंग 3, हाँ कि ना, 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं। अच्छा ये वाली साइड क्या होती है बताओ, इस वाली साइड को प्यारे बच्चों RHS राइट हैंड साइड कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, समझा, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसे क्या कहेंगे, LHS है, ये RHS है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, स्पेलिंग लिखो RIGHT राइट, HIAND हैंड, और SIDE साइड, इसी तरीके से इसको LEFT लेफ्ट, HAND हैंड, SIDE साइड, इसे लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड। अब आते हैं टॉपिक पे, ये y + 3 है तो हमको तो y अकेला चाहिए, तो 3 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे उठा के, तो क्या होगा, y = क्या हो जाएगा, 3 को इधर उठा के भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 10 इसी तरीके से लिख दिए 3 इधर, तो y = 10 - 3 क्या आ गया बच्चों, 7। देख लो कितना सरल है, कितना सरल है, ये कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर समझ में आया कि नहीं,
तो कितना सरल है, कुछ भी नहीं है। अब आते हैं क्या बच्चों, हम लोग हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, जिसका आंसर आ रहा था 9, दूसरे का आंसर आ रहा था 10। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, अरे यार ये बड़ा हट क्यों जा रहा है। हाँ, 6 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 2, हैंग करती है ना बहुत मोबाइल, तो ये अब हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ से इसको हमने हटा दिया। ठीक है प्यार बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। 2 हो गया, 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 को क्या करो प्यारे बच्चों, लिखना शुरू करो। क्या है, 6 इक्वल्स टू जेड प्लस 2। चलो अब मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी। पहला 3 हो गया, इधर 4 करेंगे हम लोग। 4 क्या है, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17/7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे। हाँ, तो अब इसको हम लोग करते हैं छोड़ो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जेड, यहाँ पे क्या है जेड, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है, इसमें भी क्या करें, अब दिमाग लगाओ। अरे पहले तो जेड इधर रहता था, यहाँ पे एक्स रहता था, यहाँ पे कैसे आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करना है, यहाँ पे जेड को अकेला रखना है। क्या करना है, अकेला रखना है, अकेले तो अकेले रखना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये है 2 इसके साथ प्लस में, इसको भेजेंगे यहाँ। ठीक है, इसके दूसरे घर में। ठीक है, जैसे ही घर में भेजा, माइनस का हो जाएगा प्लस का, माइनस में, माइनस का प्लस में। तो ये देखो फिर से क्या होगा, 6 इधर से आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे उतार दिया, 2 था, 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे जेड एज इट इज लिखा रहेगा इसी तरीके से। अब 6-2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4। तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के। तो हम कहेंगे जेड की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों इज 4। और यहाँ पे जो आप भेज रहे हो, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि what you are transposing, तो आप कहोगे we are transposing to LHS. देखो ये यहाँ पे लिखो, we transpose to LHS from RHS। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हुआ हमारा आंसर, 4 आ गया। कैसे, 2 को इधर लिखा, -2, 6-2, 4। समझ में आया कि नहीं, तो कितना सरल था आंसर, समझ में आया कि नहीं। इसे मैं रब करूं, हाँ कि ना, इसे मैं रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्या है, 4 कितना सरल है, क्या है, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17/7, ये है हमारे पास, हाँ कि ना। अब देखो एक्स को अकेला करना है भाई साहब, एक्स को क्या करना है, अकेला करना है। एक्स को अकेला करने के लिए इसको उधर भेजेंगे, किस साइन में, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पूरा उधर भेज देंगे, क्या करेंगे, हाँ 3 को ही नहीं सिर्फ भेजेंगे, पूरा ये भेज देंगे उधर, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, पूरा भेज देंगे। तो 3 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 3/7 को 17/7, तो इसी तरीके से लिखा रहेगा, छाप दो। और ये क्या है प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव में 3/7। अब कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर सबसे पहले देखना रहता है। जब कोई रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर दिए रहते हैं, ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो, तो सबसे पहले नीचे वाला देखते हैं, इनका पैर देखते हैं। ठीक है, अब और उसका पैर देखते हैं, अगर दोनों पैर सेम है, मतलब 7/7 लिखा है, 6/6 लिखा है, 4/4 लिखा है, 2/2 लिखा है, 1/1 लिखा है, 11/11 लिखा है, 12/12 लिखा है, 13/13 लिखा है, 14/14 लिखा है, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो लिख देते हैं यहाँ पे सीधा 1/7 लिख देंगे यहाँ पे नीचे, और इन दोनों को क्या करेंगे, इसके हिसाब से लिख देंगे। जैसे 17 है तो 17 लिखा, हाँ कि ना, 17 है 17 लिखा। यहाँ बीच में जो साइन है इस पे ध्यान देना है,
यही उतार देंगे बीच वाला साइन, और 3 है तो 3 यहाँ पे उतार देंगे। बस क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो, 17 में से 3 जाएगा, कौन बताएगा कितना होता है, 17 में से 3 जाएगा प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं 14 आएगा, और 14 आ गया 14 बाई 7 क्या करोगे, 7 × 7 = 14 तो 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग यहाँ देखने की बजाय यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है? मुझे पता है आप लोग कह रहे हो ना, चांद निकल आया, हाँ कि ना, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बेटा, हंस लो जितना हंसना है मेरे ऊपर, ठीक है, हाँ कि ना। तो अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, इसे क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, मुँह से तो यही निकल रहा होगा, देखो टकला नहीं बेटा, मैं कड़प्पा काट देता हूँ, समझ में आया कि नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ रब कर दे रहा हूँ, ठीक। बहुत नौटंकी करते हो सर जी, नौटंकी बाज हो गया, आपको तो नौटंकी में होना चाहिए, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, अरे बाबू कहाँ चले गए, बड़ी हैंग कर रही है रे। हाँ, क्या सॉल्व कर लिया था, 4 सॉल्व कर लिया था, 5 सॉल्व करेंगे, क्या है, 5 सॉल्व करेंगे, 5 6, तो 5 प्यारे बच्चों लिखो, 5 है 6x = 12, 6 अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 6 है हमारा t/5 = 10, 7 है हमारा बच्चा, क्या लिखो, 7 है प्यारे बच्चों 2x/3 = 18, हाँ कि ना, और 8 है हमारा प्यारे बच्चों, लिखो 6.1/6y/1.5, 9 है प्यारे बच्चों 7x-9 = 16, ठीक है, इतना पहले लिखो। अब क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, सब वही चीज़ करनी है जो रटी रटाई है, कुछ भी नहीं है, दिमाग खोल लो। क्या करेंगे, पहला लेते हैं, वो क्या है, 5, क्या है, 6x = 12। अब यहाँ पे सर चकरा रहा होगा कि भाई साहब हम लोग यहां पे क्या करें, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमने क्या बताया था आपको, अगर कोई भी चीज, किसी चीज को मैं एक घर से दूसरे घर, मतलब LHS से RHS ले जा रहा हूं, या RHS से LHS ले जा रहा हूं, तो पहले तो देखना पड़ेगा क्या वो चीज जिसको मैं ले जा रहा हूं वो प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये वैल्यू जो 6 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में, कैसे, क्या बात कर रहे हो, 6 कैसे मल्टीप्लाई, देखो ये 6 है, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो क्या आता है, 6 ही तो आता है, बट यहां 1 की जगह x लिखा हुआ है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x से, तो ये हो जा रहा है 6x, समझ में आ रहा है कि नहीं, 6x, तो यही 6x देख रहे हो, x से मल्टीप्लाई में है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हो आप कि 6 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बताओ, मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो 6 को मैंने इधर भेजा तो x कैसे हो गया, 6 क्या हो गया, डिवाइड में चला गया 12 के, 12/6 लिख गया। अब इसे काट लेंगे, 6 की टेबल सबको आती है, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये क्या हो गया, कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 2 आ गई। इतना समझ में आया, हाँ कि ना, रब करूँ, हाँ कि ना। चलो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, किसको, 6 वाले को, 6 क्या है, t/5 = 10, भाई साहब वाह क्या सरल क्वेश्चन पूछा है। अब देख सकते हो ना 5 कहाँ है, 5 डिवाइड में है, डिवाइड में, t को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, डिवाइड में कौन है, 5, तो t, अब क्या होगा, t की 5 क्या है, डिवाइड में लिखा है, t को क्या करेंगे हम लोग, अकेला करना है, t को अकेला करना है, तभी तो t की वैल्यू आएगी। तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 5 को LHS से RHS में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे तो किस में है, डिवाइड में, चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो t क्या हो जाएगा, t = क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेजा तो 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, क्यों, क्योंकि 5 डिवाइड में है, दूसरे के घर में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया,
टी इक्वल्स टू टेन इंटू क्या होगा, 10 × 5 क्या हो जाएगा, 10 × 5 क्या हो जाएगा बताओ, 10 × 5 50, हाँ कि ना, समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, बहुत बहुत सरल है। चलो इसको भी मैं रब करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, ये है 2x/3 = 18। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड भी है, अब इसे कैसे करेंगे, तो ये भी क्या है, सरल है, कैसे करोगे, यहाँ पे है प्यारे बच्चों 3, और 3 क्या है डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो मैं 3 को भेज दूँ या पहले 2 को भेज दूँ, किसी को भी आप सबसे पहले भेज सकते हो, दोनों को एक साथ भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो कैसे, पहले मैं 2 को भेजता हूँ, तो 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो पहले 2 को ट्रांसपोज करेंगे, तो लिख सकते हो आप ट्रांसपोजिंग टू फ्रॉम LHS टू RHS, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ट्रांसपोजिंग टू फ्रॉम LHS टू RHS, ठीक। तो 2 को ट्रांसपोज किया, तो नीचे क्या लिखा है, x के 3 एज इट इज रहेगा, तो इसको इधर भेज दिया, तो 18 बाई मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 18/2 × 3, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते थे, यहाँ पे भी आप काट सकते हो, अगर यहाँ पे कर लोगे तो यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे काटा कितना आ जाएगा, 2 × 9 = 18, तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 × 3, 3 × 9 = कौन बताएगा, 3 × 9 = 27, या 9 × 3 = 27, तो 27 आंसर आ गया, समझ में आया, हाँ कि ना, इसे रब करें, कितना सरल था, कुछ नहीं, इसे लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है प्यारे बच्चों, 1.6 = y 1.5, ये क्या है, पॉइंट में लिखा हुआ है। चलो इसको करने से पहले एक चीज़ बताओ, कि अगर मैं 2.3 लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2.3 लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं प्यारे बच्चों ऐसे लिखता हूँ, ये जो पॉइंट है, पॉइंट मुझे डरा रहा है, ठीक है, मैं इसे डरता हूँ बहुत, तो क्या करना है, पॉइंट को हटा देना है। अब हटाओगे तो क्या होगा, अब ये बताओ, मैंने आपको बता के रखा था ना, कि अगर मैं 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, 5 लिखूँ, तो हमेशा याद रखो, इन सारे नंबर के नीचे हमेशा एक नंबर होता है, वो क्या है, 1, क्या होता है, 1 होता है, सबके नीचे 1 रहेगा, सबके नीचे 1 रहेगा। इसी तरीके से 2.3 भी एक नंबर है, तो इसके नीचे प्यारे बच्चों, इसके भी नीचे हमेशा 1 रहेगा, हाँ कि ना, सारे नंबर के नीचे ये 1 रहता है, ठीक। अब देखो, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ, हमेशा याद रखो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, और ये 0 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि 0 के बाद कितनी संख्या है। अब 0 के बाद एक संख्या है तो 1 0, 2 संख्या है 2, 3 संख्या है 3, 4 संख्या है 4, 5 संख्या है 5, जैसे कि 2.3 3 2, ठीक है, तो 3 संख्या है तो नीचे 1 लिखा रहेगा, इसे हटाया कितनी संख्या, 1 2 3 1 2 3, तो 3 0 लिख दिए जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं इस पे, इसको मैं करता हूँ रब, ठीक है, देखो ट्रेन भी आ गई, चुकु, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 पॉइंट ये ऐसे लिखा हुआ है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वाई को अकेला करना है, क्या करना है, y को अकेला, तो 1.5 लिखा हुआ है, हाँ लिखा है, बोल दो हाँ। अब 1.5 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड में है, इधर भेज देना है मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि y को अकेला करना है भाई साहब, समझ में आएगी नहीं। अब y को अकेला करना है, तो ये देखो y भाई साहब अकेले हो गए, 15 को इधर भेज दिया, तो 6.1.6 × 1.5 कर दिया, हाँ कि ना, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करें, क्या करना है, कुछ नहीं, आपको पॉइंट हटाना है, क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो आप जब पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो पॉइंट हटाओ क्या हो जाएगा, वाई लिखा हुआ है, वाई एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। ये देखो इस चीज़ को ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, वाई को पहले और इन सबको इधर लिख सकते हो, तो क्या कर रहा हूँ मैं, वाई को उल्टा कर दे रहा हूँ, वाई को यहाँ लिख दे रहा हूँ और इन सबको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं वैसे अभी रहने देता हूँ बताने को, तो क्या हुआ, ये क्या है,
पॉइंट अब मैं क्या करूँगा, हटाऊंगा पॉइंट, क्या करूँगा हटाऊंगा, कितने जीरो नीचे बढ़ेंगे कौन बताएगा, एक जीरो, तो 16/10 इंटू यहाँ पे क्या है 15, तो 15 अपॉन यहाँ पे भी 10 आ जाएगा इक्वल्स टू वाई, हाँ कि ना। अब देखो अब क्या है, 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से, करो करो जल्दी करो, क्या होगा बताओ। अब देखो 16 को 15 से करते हैं, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट नहीं करता हूं, आपके लिए करता हूं ऐसे, देखो 5 6 30 के जीरो 3 यहां, 5 6 30 के जीरो 3 यहां, 5 1 5 5 3 8, देखो कितनी तेज है कैलकुलेशन मेरी आपसे तेज, 1 6 6 1 1 1 0 8 6 14 आ गया इधर 1, तो ये हो गया 2, तो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों कितनी जल्दी कर दिया आपने, मेरे तेज क्या होगा मुझे पता है, ठीक। अब देखो y क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 240, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, ये कौन भूलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, एक जीरो कट गया, यहाँ पे था 10, तो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट, हाँ कि ना, ये क्या बता रहे हो सर जी आप, हैं ये क्या पूरा सब बता रहे हो मुझे, देखो देखो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो 240 आया था, ये नीचे आ गया 100 इक्वल्स टू वाई, ये जीरो जीरो कट जाएगा ये तो हमें पता है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 24/10। अब हमें पता है अगर मैं 2.4 को 24/10 लिख सकता हूँ, तो 24/10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इससे पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा क्या, यहाँ पे 1 है तो नीचे आ जाएगा 10, जीरो बढ़ जाएगा ना, एक संख्या इधर है तो यहाँ, तो 24/10 को मैं क्या 2.4 को मैं क्या कर सकता हूँ 24/10 लिख सकता हूँ, तो 24/10 को 2.4 लिख सकते हैं, देखो 24/10 को क्या लिख सकते हो 2.4 लिख सकते हो, तो आंसर आ गया 2.4। इसे रब करूं क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, किस पे 9 पे, तो 9 करेंगे भाई साहब हम लोग सॉल्व, तो देखो 9 पे क्या करोगे, क्या है 7x-9=16, इसको कैसे करो, ये तो बहुत सरल, देखो ये वाला क्या करेंगे 9 इधर भेज दें, क्योंकि x हमें क्या चाहिए अकेला, तो 7x इसको भेजा इधर तो क्या होगा 16+9 क्या होगा, क्योंकि माइनस था, माइनस वाला दूसरे घर में जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो 7x=16+9 क्या, 16+9 क्या बताओ कौन बताएगा 25, मुझे लगता है 25 होगा, आप गिनो गिनो बैठ के अगर नहीं गिनना आता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गिनो गिनो जितनी गलतियां कर डालो, जितनी गलतियां कर डालो, टेंथ तक नहीं, जितनी एट्थ तक नाइन्थ तक कर डालो, नाइन्थ में भी भाई बहुत कम ही होगा, बट एट्थ में जितनी गलतियां कर डालो जिससे आप नाइन्थ और टेंथ में ना करो। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, इधर भेज दिए, ये आ गया क्या 16+9, तो ये हो गया 25। अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, क्या करना है x को अकेला, तो 7 को क्या करना है मुझे यहाँ पे भेज देना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 तो लिखा ही हुआ है, 7 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, और 7 अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ नहीं, ये देखो यहाँ पे है 7 मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरे के घर में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 25/7 हो जाएगा, समझ में आया। अब इसे ये क्या 25/7 की टेबल में आता है नहीं, तो ठीक है ऐसे ही से छोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब आते हैं क्या, ये देखो 9 भी क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं क्या प्यारे बच्चों, हम लोग आएंगे कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 पे, ठीक 10, 11 और 12 पे, इसे रब कर दे रहे हैं, ठीक 10, 11 और 12 पे, देखो अगर आपको अब समझ में आ गया है ना तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब 10, 11, 12 है, इसको भी जल्दी देख लेते हैं, जिसको देखना है देखे, और जिसको आता है वो तुरंत भाग सकता है, ठीक है, बट हो सकता है कोई चीज़ आ जाए इसमें, और इन सबको सॉल्व करना है आपको। ये हो गया 10, इधर आते हैं 11 पे, 17p 6p = 9, और है हमारा क्या 12, जो कि लास्ट है, वो क्या है x/3+1=7/15। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ तो क्या है 14y-8=13, क्या है कुछ नहीं है 14। अब देखो कैसे करेंगे 10 वाले को, 14y-8=13, तो कैसे करो कुछ नहीं, क्या करना है हमें y को अकेला करना है, किसको y को अकेला करना है, तो माइनस एट है उधर भेज दो, तो 14y इधर बचा, माइनस एट को इधर भेजा, कितना आ जाएगा माइनस में है
प्लस 8 हो जाएगा, दोनों 13 और 8 को ऐड करो, गिनो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ कि ना, तो ये क्या आ गया 21 आ गया। अब यहाँ 14 था तो 14 किस में मल्टीप्लाई में, इधर भेज दोगे डिवाइड में, तो 14 आ गया यहाँ डिवाइड में। अब 14 की टेबल में क्या 21 आता है, 41 जा 14, 42 जा 28, नहीं आ रहा, तो क्या करोगे 7 की टेबल देखो, 71 जा 7, 72 जा 14, 73 जा 21, देखो 7 से कट। सर जी आपको कैसे पता चला, अगर टेबल लर्न होगी आपको तो आपको चुटकी बजाते पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं। मुझे लर्न है, मुझे लर्न है, और मैंने आपको बताया था लर्न कर लो बेटा, एट्थ में हो सकता है आपको ना लर्न हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं लर्न होगा, जो छुप छुपे होंगे यहाँ पे, हम मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं, वो क्या करते हैं टेबल गिनते हैं, समझ में आ रहा है ना, टेबल लर्न कर लो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगी। आज भले ही मैं कह रहा हूँ आप नहीं समझोगे इस बात को, बट आगे जब जाओगे, 9th में गए, 10th में गए, 11th में, 12th में, वहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, आपके लेवल से बहुत ज़्यादा रहती है। तो y इक्वल्स टू 3, अब क्या होगा y इज इक्वल्स टू 3/2, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो टेबल प्यारे बच्चों अगर आपको लर्न होगी तो बहुत बहुत सरल होगा आपको सॉल्व करना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2, हाँ कि ना, तो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब आते हैं 11 पे, तो आज का होमवर्क है आपका क्या, अगर आपको 1 से लेके 10 तक की नहीं लर्न है तो 10 तक की लर्न कर डालो पूरी अच्छे से, अगर आपको 10 तक की लर्न है तो 10 से लेके 20 तक की लर्न कर डालो, 20 तक की नहीं कर पा रहे हो तो 10 से लेके 15 तक तो कर लो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, और 15 तक की कर लोगे तो ठीक है, फिर बाद में 15 से 20 तक करते रहना, पर कर जरूर लेना। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं 17 पे, करना जरूर ये है होमवर्क, HW लिख लो, HW, सर जी ने होमवर्क दिया है, HW दिया है, इसको लर्न करने के। अब देखो 17 + 6p = 9, अब इतना सॉल्व कर चुके हैं कि इसको अब आंख बंद करके भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं ऐसा क्या, क्या बात करते हो सर जी, आंख बंद देखो और कौन क्या, देखो 6p को, p को अकेला करना है, 6p लिखा है, 17 इधर है, तो 17 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, 17 किस में है प्लस में, इधर जाएगा नेगेटिव 17 में जाएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 9 - 17, तो 17 में से 9 गया, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, क्या कितना आएगा, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे कितना आएगा, क्या 8 आएगा, 8 आएगा, हाँ तो 8 आ गया, बट क्या 8 ही आएगा, बट क्या 8 ही आएगा, नहीं प्यारे बच्चों -8 आएगा, क्योंकि 17 बड़ा है, बड़ी वाला, बड़ा वाला साइन लेते हैं इधर। अब यहाँ पे 6p आ गया, अब यहाँ पे है 6 केस पे है मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, बताया है कि नहीं। अब 2 से काट दो, अब कहोगे 2 कैसे पता चला आपको, क्योंकि वो 2 की टेबल मुझे आती है, देखो आपको भी 2 की टेबल आती होगी तो आपको पता होगा 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो हम लोग 2 से काटेंगे। और याद रखना अलग अलग टेबल से मत काट देना कि इसको 3 से काट दिया और इसे 2 से काट दिया, दोनों को एक ही टेबल से काटना है, एक ही टेबल से, अगर एक टेबल से नहीं कट रही है तो मत काटो, समझ में आया कि नहीं। पता चला इसको 6 से काट दिया, 6 बन जा 6 लिख दिया, और 8 को 8 से काट दिया, 8 बन जा 8, 1/1 लिख के चले आया आंसर 1, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको किससे करना है, एक ही टेबल से, तो यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 6, आप किससे करोगे 2 से, तो 2 3 2 4, आंसर क्या आ गया -4/3, समझ में आया कि नहीं, एक ही टेबल से। अब आते हैं हम लोग कहाँ, अपने लास्ट क्वेश्चन पे, हाँ कि ना, और वो है हमारा क्या, वो है ये थोड़ा अलग है। अब देखो x/3 + 1 = 7/15, इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत सरल है, कुछ नहीं, LCM पढ़ा है कि नहीं, LCM क्या, LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, हाँ सर जी पढ़ा है, क्या बात कर रहे हो, हाँ कितनी बार पढ़ा है इसको, इसने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अब देखो क्या करोगे, ये है हमारा क्वेश्चन, 3x/3, अब मुझे x को अकेला करना है जैसा कि हमें पता है, क्या करेंगे यहाँ पे 1 भाई साहब लिखे हैं, क्या करोगे 1 लिखा हुआ है, दिमाग लगाओ क्या करोगे, कुछ नहीं, प्लस में उधर भेज दो, इधर भेज दो, क्या करोगे इधर भेज दो, क्या होगा x/3 = इधर भेज दिया प्लस में, तो नेगेटिव हो जाएगा 7/15 - 1 हो गया,
हाँ कि ना। अब देखो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अब 3 को भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लो। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है जब इसे भेजोगे आप यहाँ पे तो आपको आसानी होगी, नहीं तो अधिकतर बच्चे कैसे करेंगे। देखो क्या होगा, जब इसे वो सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो गलती क्या करेंगे, देखो 3 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे और लिखेंगे कैसे, x अपॉन 3 को उधर भेजा तो लिख देंगे 7/15 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1। क्या करेंगे, 3 को सिर्फ 7/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो करेंगे ही। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, जब भी आप 3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज लिखी होंगी सबसे 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, सबसे 3 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप सिर्फ 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं करके देखूं तो ये देखो 7 3 21 21/15 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 15, तो इधर आ जाएगा 21 माइनस 15, क्योंकि एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 21 माइनस 15 क्या हो जाएगा 6/15। 3 से काटो 3 2 6 3 5 15, तो 2/5 आ रहा, देखो 2/5 आ रहा, जो कि आंसर मैं अभी बता रहा हूँ गलत है। कैसे, देखो अभी निकाल के दिखाते हैं। देखो 2/5 आ रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि गलत है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों, 3 को क्या करूँगा मैं इधर भेजूंगा और 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। एक्स इज इक्वल्स टू 7/5 अभी नहीं भेजूंगा, पहले क्या करूँ इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम क्या आएगा 15 1/15, तो यहाँ पे भी 15 और ऊपर भी 15 आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 7-15/15। इसको करो 15 में से 7 गया कितना आएगा, कौन बताएगा, 15 में से 7 गया कितना आएगा 8, तो -8/15। माइनस 8 कैसे, क्योंकि बड़े वाला क्या है, बड़ा वाला 15 है, 15 का क्या है साइन माइनस। अब देखो 3 है तो 3 को उधर भेज दो, 3 को उधर भेज दो, तो 3 किस में है, x क्या है, x अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आ गई -8/15। अब 3 है तो 3 को इधर भेजोगे तो x इज इक्वल्स टू -8, डिवाइड में है ना तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 15, 8 3 जा कितना होता है 24, तो आंसर क्या आ जाएगा -24/15। अब इसको 3 से काटो तो 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 जा, तो x की वैल्यू देख रहे हो प्यारे बच्चों कितनी आई है, ऊपर 8 आ रही है और नीचे 5, तो आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों माइनस में आ रहा है -8/5, देख रहे हो ना 8 है इधर, यहाँ -8/5 और इधर क्या आ रही थी 2/5, हाँ शायद 2/5 हो सकता है, यहाँ पे -2/5 आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है 2/5 और यहाँ -8/5, देख रहे हो डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है जब भी 3 को उधर भेजोगे तो जितनी संख्या होगी सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ हमने लास्ट से सीखा कि ये वाला पॉइंट सबसे मल्टीप्लाई करने वाला, अगर लास्ट वाला छोड़ देते तो कहीं ना कहीं गलती आप ज़रूर करते। तो ये हो गई क्या एक्सरसाइज 2.1 हमारी पूरे तरीके से कंप्लीट, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग ऐसे ही सारी की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, सारे एग्जांपल देखेंगे, धीरे धीरे सब हर जगह बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, अब आपको हंसना है, यूँ अच्छे से आपकी ये बनी अच्छी सी आँखें मैं बना देता हूँ आपकी, ये है आपकी आँखें, ये देखो मैं आपकी आँखें ऐसे ऐसे बना दिया, ये है आपकी आँखें और ये हैं आप और आपको क्या करना है, हमेशा हंसते रहना है, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ, ये है मेरी चुरकी, ठीक है, ये मैं हूँ और ये बिना आप चुरकी के ये आप हैं, ठीक है, ये मैं हूँ, देख रहे हो ये मैं हूँ, ठीक। अब हंस लो। अब पिछली वाली वीडियो में भी मैं ऐसे ही मिलूँगा और तब आप देखेंगे, ये देखो चांद आ गया, चांद समझा रहा, चांद नहीं टकला आ गया, समझा गया, अभी टकला आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब मिलते हैं क्या हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो रिवाइज ज़रूर करना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।